हर वर्ष की भांति इस बार भी मोदी जी का जन्मदिन मनाते हैं। प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि गांव में विशेष ध्यान दे, जो यहां का बेरोजगार को रोजगार मिले। और मोदी जी से आग्रह है कि हम लोग का अगल बगल में स्कूल नहीं है। बिहार के इस गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक मंदिर है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर हर साल की तरह इस बार भी कटिहार जिले के आजमनगर स्थित सिंघारोल गांव में मोदी के चाहने वालों ने उनका जन्मदिन मनाया। जहां एक तरफ ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री को भगवान का रूप मान लिया है, वहीं पंचायत के मुखिया ललन विश्वास गांव में बढ़ते बेरोजगारी से परेशान है और प्रधानमंत्री को गांव पर विशेष ध्यान देने को कहा है। हर साल की भांति इस साल भी जन्मदिन श्री मोदी जी का मनाया जाता है और मोदी जी से मेरा आग्रह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा विशेष ध्यान दे कि गांव का विकास हो और जितना भी गरीब कल्याण योजना है ग्रामीण क्षेत्र में विशेष ध्यान दे कर इसका संचालन करें। प्रधानमंत्री का एक नारा आया है, आत्मनिर्भर भारत, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, आत्मनिर्भर के तहत हम तो मोदी जी से और प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि आत्मनिर्भर के तहत गाँव में विशेष ध्यान दे, क्योंकि गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारी होता है, गाँव में सबसे गरीब रहता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि गाँव में विशेष ध्यान दे, जो यहाँ का बेरोजगार को रोजगार मिले। वहीं ग्रामीण सुनील कुमार ने इलाके में हुए काम को गिनाते हुए गांव में एक स्कूल की मांग की। हर वर्ष की भांति इस बार भी मोदी जी का जन्मदिन मनाते हैं। आज विश्वकर्मा पूजा के दिन है, बहुत धूमधाम से विश्वकर्मा पूजा भी और मोदी का जन्मदिन भी हम लोग आज मनाए। और मोदी जी से आग्रह है कि हम लोग का अगल बगल में स्कूल नहीं है, यहाँ से स्कूल 4 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर पड़ता है, हम लोग का बच्चा जा नहीं पाता है, बहुत तकलीफ उठा के तब जाना पड़ता है, छोटा छोटा बच्चा है हम लोग का। हम लोग का एक ही मांग है कि मोदी जी कम से कम रोड बन गया, बिजली आ गया, पानी टैंक लग गया और कम से कम एगो स्कूल हम लोग का बना दे। क्या नाम? ऐसे में ये एक रहस्य ही है कि बेरोजगारी और स्कूल की कमी से जूझता ये गांव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान क्यों मानता है।